Hello and welcome to the presentation on design of spur gears. So today in this presentation we will see how we can design the spur gear and what are the criteria which are required while designing a spur gear, because when spur gear fails, so definitely we want to do something to avoid that failure of the gears. So let us discuss the syllabus of this particular unit. This syllabus consists of the gear selection, metal selection, basic motion tooth failure, gear lubrication methods, all this part है इसमें actually ये सारे जो content है ये आपको useful होंगे जब आपको कोई gear box design करना है, यानी industrial gear box को design करना है तो. और दूसरा जो part अभी यहाँ पर है spur gears, जिसमें यहाँ पे number of teeth है, face width, तो यहाँ पे सारे basic parameters of spur gear और उसके लिए जो भी criteria होता है design का, like beam strength equation, factor है, सर्विस फैक्टर है, लोड कॉन्स्टेंट फैक्टर है, ये सारे कंपोनेंट्स हैं जिसमें आपको डिज़ाइन करने के लिए यूज़फुल होंगे. तो पहले हम बेसिक इसके कंटेंट से स्टार्ट करते हैं जो इम्पोर्टेंट है गियर के लिए समझना. सो गियर डिज़ाइन अगर हमें करना है तो बेसिकली गियर आर यूज टू ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अदर शाफ्ट, या जनरली हमें टॉर्क और स्पीड का वेरिएशन रिक्वायर्ड होता है. सो जब हमें ट्रांसमिट करना है पावर एक कंपोनेंट से या फिर एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट के ऊपर विथ अ डिफरेंट स्पीड एंड डिफरेंट टॉर्क, इन दैट केस वी आर यूजिंग द गियर्स. सो यहाँ देखते हैं कि ये जो स्मॉल डायमीटर का होता है जनरली वी कॉल इट एज अ पिनियन, एंड जो लार्ज डायमीटर का होता है वो होता है गियर. सो यू कैन सी हियर दिस इज द सेंटर ऑफ दिस पर्टिकुलर पिनियन, दिस इज द सेंटर ऑफ दिस पर्टिकुलर गियर. सो दिस इज नथिंग बट द कॉल्ड अ सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द पिनियन एंड द गियर. एंड ऑल्सो देर आर सो मेनी टर्म्स विच आर रिलेटेड हियर फॉर द गियर टेक्नोलॉजी. सो आई एम एक्सपेक्टिंग हियर दैट यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द गियर टर्मिनोलॉजी, यानी यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये सारी गियर की टर्मिनोलॉजी पता है जो आपने इसके प्रीवियस कोई किसी सब्जेक्ट में पढ़े हुए हैं. सो बेसिकली हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो गियर टूथ प्रोफाइल है, ये गियर टूथ हमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब गियर फेल होता है तो इसका मतलब ये टूथ का ही फेलियर होगा. सो इंपॉर्टेंट पैरामीटर जहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये टूथ थिकनेस है, ओके. सो सर्कुलर पीच है, देन थिकनेस ऑफ द टूथ, सर्कुलर पीच एंड अटेंडम सर्कल यहाँ पे होगा, यहाँ पे डिटेंडम सर्कल होगा, यहाँ पे पीच सर्कल डायमीटर होगा. और आपको पता है कि कॉन्टैक्ट बिटवीन द पिनियन एंड द गियर विल बी एट द पीच पॉइंट, मीन्स ये दोनों के पीच सर्कल एक जगह पर कॉन्टैक्ट करते हैं. तो हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले पहला टर्म जो इम्पॉर्टेंट है हमें, दैट इज मॉड्यूल. सो मॉड्यूल इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ पीच सर्कल डायमीटर बाय नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन और द गियर. तो जेड नोटेशन हम यूज़ कर रहे हैं नंबर ऑफ टीथ के लिए, और डी हम नोटेशन यूज़ कर रहे हैं पीच सर्कल डायमीटर ऑफ द गियर और द पिनियन के लिए. तो अगर मुझे सर्कुलर पीच लिखना है, जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है सर्कुलर पीच, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक ये डिस्टेंस सर्कुलर पीच. सो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू पाई डी डिवाइड बाई जेड, यानी पूरा टोटल सर्कम्फरेंस ऑफ द पीच सर्कल डायमीटर और डिवाइड बाई नंबर ऑफ टीथ. एंड देन गियर रेशियो जो हम यहाँ पे लिखते हैं, दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर बाय नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन. और उसके बाद स्पीड रेशियो अगर हमें लिखना है तो नंबर ऑफ स्पीड ऑफ द पिनियन बाय स्पीड ऑफ द गियर, दैट इज़ कॉल्ड एज अ स्पीड रेशियो. अब ये रिलेशनशिप कैसे आते हैं, तो जैसे हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे कि पिनियन एंड गियर आर देयर एट द मेश, तो जो भी यहाँ पे वेलोसिटी होगी पिच लाइन वेलोसिटी, सो दैट विल बी सेम फॉर पिनियन एंड द गियर. सो वेलोसिटी कैसी होती है कि पाई डी एन बाय 60 इज इक्वल टू, मीन्स फॉर पिनियन इफ आई से पाई इंटू डी पी इंटू एन पी बाई 60, दैट इज इक्वल टू पाई इंटू डी जी इंटू एन जी बाई 60. सो उससे हमें पाई और 60 है तो कॉमन हो जाएगा, तो हमें रेशियो मिलता है जेड जी बाई जेड पी इज इक्वल टू एन पी बाई एन जी, ओके. एंड ऑल्सो वी कॉल इट इज अ वेलोसिटी रेशियो. सो एन पी बाई एन जी इज नथिंग बट कॉल्ड एज वेलोसिटी रेशियो, जेड जी बाई जेड पी को कहते हैं वेलोसिटी रेशियो या फिर गियर रेशियो. सो सेंटर डिस्टेंस अगर हमें निकालना है यहाँ पे, तो डेफिनेटली ये डायमीटर ऑफ पिनियन बाय 2 एंड डायमीटर ऑफ गियर बाय 2. सो अगर हम इसको ऐड करते हैं, यानी रेडियस ऑफ दिस प्लस रेडियस ऑफ दिस, सो हमें सेंटर डिस्टेंस मिलता है. सो दैट इज व्हाट इज रिटन ओवर हियर. अभी वो डायमीटर ऑफ पिनियन हमने इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन एंड मॉड्यूल के टर्म्स में लिखा, तो मॉड्यूल कॉमन निकलता है और उसके बीच में रहता है ब्रैकेट में रहता है जेड पी प्लस जेड जी, ओके, डिवाइड बाई 2. So after knowing these basic important relations, now we will see the force and stress of the spur gear. जैसे अभी यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये पिनियन और गियर है, दोनों के मोशन यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्लॉकवाइज मोशन दिखा हुआ है पिनियन का और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मोशन ऑफ द गियर, ओके. एंड देर इज अ कॉन्टैक्ट ऑफ दिस टू एट द पीच पॉइंट, एंड दिस इज नथिंग बट द प्रेशर लाइन और लाइन ऑफ
नॉर्मल फोर्स। सो ये जो नॉर्मल फोर्स है ये अलॉन्ग दिस लाइन ट्रांसफर होगा, तो हमें अभी देखना है कि इसका हम कन्वर्शन कैसे टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन ओपिनियन एंड रेडियल फोर्स एक्टिंग ऑन ओपिनियन एंड गियर, क्योंकि रेडियल फोर्स जो होगा, क्योंकि ये जो फोर्स है इंक्लाइंड फोर्स एट एन एंगल ऑफ प्रेशर एंगल हेयर, सो ये फोर्स रिजॉल्व करेंगे हम दो फोर्सेस में। एक तो होगा हमारा रेडियल फोर्स जो हमें गियर्स और पिनियन दोनों को सेपरेट करेगा, ओके, एंड एक होगा टेंजेंशियल फोर्स जो इसका रोटेशन कॉज करेगा। सो फॉर द पिनियन एंड गियर दिस विल बी द टेंजेंशियल फोर्स अलॉन्ग द टेंजेंशियल डायरेक्शन टू दिस पर्टिकुलर पीस सर्कल्स, ओके। तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नॉर्मल फोर्स है पी एन एक्टिंग लाइक दिस, जो हमें रिजॉल्व करना है दो फोर्सेस में, एक तो आपका रेडियल फोर्स होगा पी आर एंड टेंजेंशियल फोर्स होगा पी टी, एंड दिस इज एंगल फाई बिटवीन दिस टेंजेंशियल फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स। तो जनरली अगर हमें पता है कि इस पर्टिकुलर पिनियन के ऊपर टॉर्क कितना एक्ट हो रहा है, तो टॉर्क अगर हमें पता है तो हम उसके ऊपर से उसका फोर्स टेंजेंशियल फोर्स निकाल सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि हम टॉर्क कैसे निकालेंगे पिनियन के ऊपर का। सो पी इंटू 60/2πn, अगर हम ये रिलेशनशिप यूज़ करते हैं, जैसे पावर होता है 2πnt/60, तो उसका यूज़ करके हम निकालेंगे कि टॉर्क एक्टिंग ऑन द पिनियन। पर पिनियन आरपीएम लिखता हूँ तो मुझे मिलेगा टॉर्क एक्टिंग ऑन द पिनियन, एंड देन मुझे टेंजेंशियल फोर्स ऑन द पिनियन अगर निकालना है तो दैट टॉर्क विच आई गॉट गेटिंग हेयर, जो हमें टॉर्क मिलता है यहाँ पर, डिवाइड बाय पिनियन डायमीटर बाय 2 मीन्स रेडियस ऑफ पिनियन, सो दिस वे वी विल गेट द टेंजेंशियल फोर्स। और अगर हमें पावर और वेलोसिटी पता है, सपोज आपको पता है पावर कितना एक्ट हो रहा है उस पर्टिकुलर पिनियन के ऊपर और वेलोसिटी पिच एंड वेलोसिटी उस पिनियन की क्या है, ये दोनों टर्म्स भी अगर पता है तो भी हम निकाल सकते हैं उसका टेंजेंशियल फोर्स, ओके। सो अगर हमें रेडियल फोर्स निकालना है तो रेडियल फोर्स जो है, अगर हम इस ट्रायंगल को देखते हैं तो रिलेशनशिप अगर हमें निकालना है बिटवीन दिस रेडियल फोर्स एंड टेंजेंशियल फोर्स, तो हम देखेंगे कि देयर इज अ फ्रंट साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल एंड दिस इज एडजेसेंट साइड, सो देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू पी आर एंड पी टी, दैट इज ऑफ टैन फाइव, सो टैन फाइव इज इक्वल टू पी आर बाई पी टी, एंड देयरफॉर वी कैन राइट दिस पी आर इज इक्वल टू पी टी इंटू टैन ऑफ फाइव। सो अगर मैं पी टी को मल्टीप्लाई करता हूँ टैन फाइव से तो मुझे मिल जाएगा रेडियल फोर्स, और सिमिलरली मुझे रिजल्टेंट फोर्स ये निकालना है पी एन, तो अंडर रूट ऑफ पी टी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर आई विल गेट द रिजल्टेंट ट्रूथ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर पिनियन और द गियर, ओके। सो अभी हम देखते हैं दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर इन अ केस ऑफ गियर डिज़ाइन, सो दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज फेस विड्थ, जिसे कहते हैं विड्थ ऑफ द गियर। सो इफ द फेस विड्थ इज मोर देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेंजेंशियल फोर्स एफ टी और पी टी ड्यू टू द नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज मिसअलाइनमेंट ऑफ शाफ्ट, इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ द शाफ्ट, ओके। फेस विड्थ अगर ज़्यादा हो तो प्रॉब्लम है, इसका मतलब अगर मिसअलाइनमेंट है अगर शाफ्ट में या फिर कुछ इलास्टिक डिफॉर्मेशन अगर शाफ्ट का हुआ, तो फेस विड्थ ज़्यादा होने की वजह से फोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, टेंजेंशियल फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन वो इम्प्रॉपर होगा या फिर अनइवन होगा, और इसका मतलब यह है कि हमारी फेस विड्थ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वैसे ही हमारे फेस विड्थ कम भी नहीं होनी चाहिए। अगर फेस विड्थ कम होगी तो देयर विल बी हैविंग पुअर कैपेसिटी टू रेजिस्ट द शॉक एंड एब्सॉर्ब द वाइब्रेशंस, यानी कम भी फेस विड्थ होना नहीं चाहिए और ज़्यादा भी फेस विड्थ नहीं होनी चाहिए। सो इसका मिड हमें कुछ तो निकालना है, इसलिए हमने देखा है कि अगर हमारी फेस विड्थ 8 times modulus to 12 times modulus, दिस इज नथिंग बट बीइंग ऑब्टेंड बाय द एक्सपीरियंस बाय द पर्सन्स हु हैव वर्क ओवर दिस पर्टिकुलर गियर डिज़ाइन, तो उन्होंने ये रिलेशनशिप निकाला है कि अगर हमारी फेस विड्थ 8 times modulus से 12 times modulus अगर है, इस बीच में अगर आप फेस विड्थ सेलेक्ट कर दें तो वो थोड़ा अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ फेस विड्थ होगी, ओके। सो जनरली जब भी आपको फेस विड्थ की वैल्यू नहीं दी होती तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू एज्यूम दैट वैल्यू ऑफ द फेस विड्थ एज 10 times modulus, विच इज़ अ मिड ऑफ दिस पर्टिकुलर, ओके। अभी हम देखते हैं इन जनरल कि गियर्स कैसे फेल होते हैं। सो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट फेलियर्स है गियर्स के, वो दो ही प्रकार के फेलियर्स हैं। एक है आपका बेंडिंग फेलियर, यानी कैसे जैसे टूथ फ्रैक्चर, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि एक टीथ कम्प्लीटली फ्रैक्चर होकर टूट गया है, सो दिस इज कॉल्ड एज फटिक ब्रेकेज और ओवरलोड ब्रेकेज। और दूसरा टाइप का फेलियर जो है उसे कहते हैं वियर फेलियर, यानी यहाँ पे आप देखेंगे कि सरफेस वियर हो चुका है इस पर्टिकुलर गियर टीथ्स का। सो ये गियर का वियर मे बी एडेसिव वियर हो सकता है, एब्रेसिव वियर हो सकता है, कि करोजिव वियर भी हो सकता है, किसी एक प्रकार के मोड से उसका वियर का फेलियर हो सकता है। तो अभी हम देखेंगे कि अगर हमें इस तरह का फेलियर हमें अगर अवॉइड करना है गियर का, तो हमें इसको कैसे स्ट्रांग बनाएंगे ताकि वो डिज़ाइन करने के बाद वो फेल ना हो।
क्योंकि हमारा पर्पस वही होता है कि हमें पहले जानना होता है कि उसका फेलियर कैसे हो सकता है। और अगर आपको एक पता चला कि इस तरह से उसका फेलियर होता है तो आप उसके ऊपर कुछ तो वर्क कर सकते हैं और उसको स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर सकते हैं। सो देखते हैं अभी हम कि ये पेंडिंग फेलियर या फिर टूथ फ्रैक्चर हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें स्टडी करना होगा कि ये जो गियर टूथ है और इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि गियर टूथ और ये फोर्स एक्ट हो रहा है पी यहाँ पे अलॉन्ग द फेस विड्थ ऑफ दिस पर्टिकुलर गियर टूथ। तो ये गियर टूथ हम देखेंगे प्रॉपरली कि जैसे इसके ऊपर ये नॉर्मल नॉर्मल फोर्स है, ये रेडियल फोर्स है एंड ये टेंजेंशियल फोर्स है। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि इसको हम कैसे स्ट्रांग बनाएंगे। यानी इस गियर टूथ को हम एज्यूम करते हैं जैसे कोई कैंटिलीवर बीम है, जैसे यहाँ पे ये फिक्स पोर्शन है उस बीम का और यहाँ पे फोर्स एक्ट हो रहा है, तो इट इज़ लाइक ए कैंटिलीवर बीम। और इस कैंटिलीवर बीम के ऊपर कोई फोर्स अगर एक्ट होता है तो हम उसको बेंडिंग में उसे हमें एक्चुअली स्ट्रांग करना है। यानी यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन है आपका, ये क्रॉस सेक्शन, तो इसको हमें बेंडिंग में स्ट्रांग करना है। तो दिस क्रॉस सेक्शन वी हैव टू मेक इट स्ट्रांग इन बेंडिंग। तो अगर इसको स्ट्रांग करना है बेंडिंग में, यानी इसका बेंडिंग फेलियर अगर नहीं होना चाहिए, तो वो हम कैसे कर सकते। तो वी आर गोइंग टू हैव सर्टेन एजम्पशन, कुछ तो एजम्पशन करेंगे जिसके एजम्पशन के ऊपर आप उसको उसका बेंडिंग स्ट्रेंथ हम डिसाइड कर सकते हैं। सो वो क्या एजम्पशंस है और ये किसने निकाला है बेंडिंग स्ट्रेंथ। तो लेविज इज वन ऑफ द साइंटिस्ट जिसने ये निकाला है कि बीम स्ट्रेंथ ऑफ गियर टूथ। तो लेविज इक्वेशन इज डेवलप डिपेंडिंग ऑन फॉलोइंग एजम्पशन। तो उन्होंने कुछ एजम्पशंस किए हैं। पहला एजम्पशन क्या है, तो इफेक्ट ऑफ रेडियल कंपोनेंट विच इंट्रोड्यूसेस कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इज निगलेक्टेड। जो हमने यहाँ पे देखा कि जो रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स है हमारा, ये पी आर या फिर आप एफ आर, यानी पी आर नोटेशन है कहीं कुछ बुक्स में यूज़ किया हुआ, कहीं कुछ बुक्स में हम एफ आर, तो एफ इज नथिंग बट द फोर्स और पी आर इज ऑल्सो फॉर द नोटेशन फॉर द फोर्स। तो जब भी हम ये रेडियल फोर्स कंपोनेंट कंसिडर करते हैं जो कंप्रेसिव स्ट्रेस इंट्रोड्यूस करेगा आपके गियर के टूथ का, वो हम निगलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। हम एज्यूम करें कि देर इज नो रेडियल फोर्स एज सच। दूसरा चीज़ ये है कि टेंजेंशियल फोर्स कंपोनेंट जो है आपका पी टी या फिर आपका हो एफ टी इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ओवर द फेस ऑफ द गियर, ये हम एज्यूम करें कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तीसरा ये है कि स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट हम यहाँ पर निगलेक्ट कर रहे हैं। और चौथा ये है कि सिंगल टाइम वन पेयर इज इन एंगेजमेंट एंड इट टेक्स टोटल लोड। सो आपको पता है कि दोनों पिनियन एंड गियर जब पावर ट्रांसमिट करते हैं तो देर इज सर्टेन कॉन्टैक्ट रेशियो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉन्टैक्ट रेशियो 1.6 है, तो इसका मतलब क्या है कि टू टीथ्स आर इन कॉन्टैक्ट फॉर 60% ऑफ टाइम एंड वन टीथ इज इन कॉन्टैक्ट फॉर रिमेनिंग 40% ऑफ द टाइम। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि ओनली वन टीथ इज इन कॉन्टैक्ट थ्रू आउट। ओके, वो हमारा एजम्पशन है जो एक्चुअली नहीं होता है। ओके, तो हमें एज्यूम कर रहे हैं कि एंगेजमेंट के लिए ओनली वन पेयर इज इन कॉन्टैक्ट। ओके, सो नाउ लेट अस सी हाउ वी कैन कम टू द इक्वेशन ऑफ दिस बीम स्ट्रेंथ। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो हम गियर टू कंसिडर कर रहे हैं वो हाउ इट विल बी गोइंग टू कंसिडर कैंटिलीवर बीम। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा जो टेंजेंशियल फोर्स है, हम एज्यूम करते हैं कि वो एट द एंड ऑफ द टूथ एक्चुअली यहाँ पे एक्ट हो रहा है। एक्चुअली वो इस पॉइंट पे होता है, लेकिन हम एज्यूम करें कि एट द एंड पॉइंट यहाँ पे एक्ट हो रहा है। सो दिस इज नथिंग बट द हाइट ऑफ द टूथ एच। तो यहाँ पे हमने ये हाइट ऑफ द टूथ दिखाया कैंटिलीवर बीम के लिए। ओके, एंड दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर गियर टूथ। सो दिस इज द बी फेस विड्थ ऑफ दिस गियर टूथ एंड दिस इज द थिकनेस ऑफ द टूथ। ये थिकनेस यहाँ पे आपको दिख रहा है टी। ओके, सो आर इंडिकेटिंग दिस टी ओवर हियर, थिकनेस ऑफ द टूथ। ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है जिसके ऊपर बेंडिंग एक्ट हो रहा होगा इस पर्टिकुलर फोर्स की वजह से। सो पहले हम बेंडिंग मूवमेंट निकालते हैं। तो व्हाट इज बेंडिंग मूवमेंट, इट इज़ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, सो फोर्स इज पी टी एंड द डिस्टेंस परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पी टी टू द एंड पॉइंट ऑफ इट, दैट इज एच। सो पी टी इंटू एच, दैट इज इफ यू कंसिडर द फोर्स इन न्यूटन एंड इफ यू कंसिडर दिस एच इन एमएम, सो आई विल गेट दिस बेंडिंग मूवमेंट इन न्यूटन एमएम। सो यहाँ पे हमने एच इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द टूथ इन एमएम एंड टी इज द थिकनेस ऑफ द टूथ इन एट द क्रॉस सेक्शन एक्सेस। ये जो क्रॉस सेक्शन एक्सेस कंसिडर किया हमने, वहाँ पे थिकनेस है उसका एंड बी इज द फेस विड्थ ऑफ द गियर टूथ। तो जैसे अभी हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि बी एम बेंडिंग मोमेंट इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑपरेट करेगा। सो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें कैलकुलेट करना है इस क्रॉस सेक्शन के लिए, सो इट इज़ बी टी क्यूब। सो बी इज द बेस ऑफ दिस बी एंड टी क्यूब बाय 12, टी क्यूब बाय 12 एंड ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है। दिस स्ट्रेट लाइन इट इंडिकेट्स न्यूट्रल एक्सिस। तो ये न्यूट्रल एक्सिस से अपर फाइबर या फिर लोअर फाइबर जहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस होगा उसका डिस्टेंस, दैट इज नथिंग बट द वाई। सो ये अगर वर्टिकल टी है तो ये टी बाय टू इज द वैल्यू ऑफ वाई। और ये वैल्यू अगर हम यूटिलाइज करते हैं इन बेंडिंग इक्वेशन, जैसे एम अपन आई इज इक्वल टू सिग्मा बी अपन वाई इज इक्वल टू ई बाय आर, वो हमारा बेंडिंग इक्वेशन होता है। तो हमें यहाँ पे पहले दो टर्म यूज़ करना है उसमें से। सो एम अपन आई, ओके, सिग्मा बी बाय वाई,
आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट दिस सिग्मा बी है, मुझे सिग्मा बी निकलना है विच इज इक्वल टू एम इन टू वाई बाई आई. सो आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस बेंडिंग मोमेंट वाई एंड आई ओवर देयर एंड ट्राइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ पी टी, यानी जो टेंजेंशियल फोर्स है वो कितना वो गियर टूथ कैरी कर सकता है. सो दिस इज गिवन बाय सिग्मा बी इंटू बी इंटू टी स्क्वायर बाय सिक्स इंटू एच. जस्ट इसको सिंप्लीफाई किया आफ्टर पुटिंग दोज वैल्यूज, तो वो पी टी जो आएगा आपको दैट इज इक्वल टू एम इंटू सिग्मा बी इंटू बी इंटू टी स्क्वायर बाय सिक्स एच. इस फॉर्म में हमने इसको लिखा है अभी. वही अगर और हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं कि एम इंटू बी इंटू सिग्मा बी इंटू वाई, जहाँ पे अभी हम एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं दैट इज वाई, एंड दिस वाई इज नथिंग बट दिस टर्म टी स्क्वायर अपन सिक्स एच एम. ओके, जो हमने यहाँ पे सेपरेट डिफरेंस लिखा है, जो कहते हैं इसे वाई इज इक्वल टू लेविस फॉर्म फैक्टर. ओके, सो लेविस फॉर्म फैक्टर इज नथिंग बट द वाई. तो अभी हम डिफाइन करेंगे कि बीम स्ट्रेंथ एक्चुअली होता क्या है. सो बीम स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टेंजेंशियल फोर्स दैट द गियर टूथ कैन ट्रांसमिट विदाउट बेंडिंग फेलियर. तो बेंडिंग फेलियर ना होते हुए वो मैक्सिमम टेंजेंशियल फोर्स कितना वो गियर टूथ आपका ले सकता है, दैट इज नथिंग बट द बीम स्ट्रेंथ. तो हम क्या करेंगे, जो हमने अभी टेंजेंशियल फोर्स का इक्वेशन लिखा था पी टी इन द प्रीवियस स्लाइड, तो वही उसको हम रिप्लेस करेंगे पी टी को बाई यूजिंग एस बी. सो वेयर एस स्टैंड फॉर द स्ट्रेंथ एंड बी स्टैंड फॉर द बीम बीम स्ट्रेंथ. सो वी आर राइटिंग दिस एज सिग्मा बी इंटू बी इंटू एम इंटू वाई, जहाँ एस बी क्या है बीम स्ट्रेंथ ऑफ गियर टू द न्यूटन, देन द सिग्मा बी इज द परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन न्यूटन पर एम स्क्वायर, वाई इज द लेविस फॉर्म फैक्टर एंड एम इज द मॉड्यूल. तो अगर हमें अवॉइड करना है ब्रेकेज ऑफ गियर टूथ इन बेंडिंग, तो हमारा ये जो वैल्यू ऑफ द बीम स्ट्रेंथ है इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू द इफेक्टिव लोड एक्टिंग ऑन गियर टूथ. इफेक्टिव लोड यानी जो मैक्सिमम टेंशियल फोर्स एक्चुअली उस गियर टूथ के ऊपर एक्ट होता है उससे वो ऑलवेज ज़्यादा होना चाहिए, तो फिर वो आपका गियर टूथ बेंडिंग में फेल नहीं होगा. जहाँ लेविस फॉर्म फैक्टर जो है एक्चुअली वो डिपेंड करता है कि आपका प्रेशर एंगल क्या है. सो फॉर प्रेशर एंगल 20 डिग्री 40.5 एंड फॉर 20 डिग्री स्टेप टी, ये तीनों के लिए ये लेविस फॉर्म फैक्टर की अलग अलग इक्वेशंस है. तो जनरली हमें यूज़ करना है 20 डिग्री फुल डेथ इन वैल्यू प्रोफाइल टिप. तो वाई की वैल्यू होगी आपकी 0.484 माइनस 2.87 बाय जेड. तो अगर आपका ये लेविस फॉर्म फैक्टर वैल्यू आपको पिनियन के लिए निकालना है तो आपको यहाँ पे जेड पी पुट करना है, अगर आपको गियर के लिए निकालना है तो जेड जी वहाँ पर पुट करना है. ओके, और जो बेंडिंग स्ट्रेस है सिग्मा बी वो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इट इज इट इनकॉर्पोरेट्स द मटेरियल स्ट्रेंथ एस यू टी स्पेसिफिक टू द गियर मटेरियल्स. यानी सिग्मा बी निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल. सो दिस एस यू टी इज बेस्ड ऑन द ग्रेन हार्डनेस नंबर ऑफ द मटेरियल एंड ऑल्सो इन्वायरमेंटल एंड एप्लीकेशन फैक्टर्स. सो जनरली दिस सिग्मा बी अलाइबल जो हम निकालते हैं दैट इज इक्वल टू एस यू टी इंटू दिस के एल अपॉन के टी इंटू के आर, जहाँ ए के एल इज नथिंग बट द लाइफ फैक्टर, के टी इज द टेम्परेचर फैक्टर एंड दिस इज के आर इज रिलायबिलिटी फैक्टर. तो इन सारे फैक्टर्स का जो मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं उसका हमें फैक्टर मिलता है दैट इज इक्वल टू 1/3. सो योर सिग्मा बी विल बी नथिंग बट इक्वल टू एस यू टी बाय 3 ऑलवेज. ओके, इस तरह से हम निकाल सकते हैं सिग्मा बी का वैल्यू. यानी हमें दो चीज़ें चाहिए, एक एस यू टी और ये कॉन्स्टेंट जो 3, जो ये तीनों फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन है. ओके, देन नाउ वी विल सी आफ्टर दिस द वियर स्ट्रेंथ ऑफ गियर टूथ, यानी वियर स्ट्रेंथ ऑफ गियर टूथ हम कैसे निकालते हैं ये हम देखेंगे इन द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस.